सो है गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो भी बनाने की वजह ये है क्योंकि कम से कम मेरे चैनल को हुआ है एक साल के ऊपर करीब करीब 15 महीने हो चुके हैं, और 13 मार्च 2023 के अंदर मैंने चैनल बनाया था, जो कि मैंने मोनेटाइज किया ही नहीं चैनल, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई किया ही नहीं था। तो बड़े दिनों से अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही मैंने चैनल बनाया उसके 2-3 महीने से अम्मी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज करीब करीब एक साल होते हैं अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सो गाइज, वो पार्ट ऑफ लाइफ, क्या करेंगे, अभी जो होता है वो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। अपन उसके बारे में मैं पूरा रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। अम्मी को थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो वीडियो बनने वाला है गाइज, जो कि ये है मोनेटाइजेशन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए, ठीक है। तो अभी मैं मेरा चैनल मोनेटाइज करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। मोनेटाइज तो बाद में होगा 24 आवर्स के बाद, ठीक है। सो गाइज, लेट्स सी। अभी तुमको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं बताऊँगा चैनल मोनेटाइज कैसे करने का। सो चलो स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, गूगल क्रोम के ऊपर आएंगे। गूगल क्रोम के ऊपर आने के बाद जैसे गूगल क्रोम के ऊपर आएंगे, ऑलरेडी मेरा YT स्टूडियो तो ऑन ही है, तो इधर जो डॉलर का सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है अप्लाई नाउ, ठीक है। अप्लाई नाउ के ऊपर अपन कर दिया है क्लिक, तो अप्लाई नाउ के ऊपर अपने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर 3 स्टेप देखो। स्टेप 1 रिव्यू बेस्ड टर्म, स्टेप 2 साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब, और गेट रिव्यू, ये तो थर्ड स्टेप मैं तुमको बाद में बताऊंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट 1 क्लिक करने के बाद इतने जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो है ना, इसको क्या करने का, इसको पूरा पढ़ लेने का। पढ़ लेने के बाद उसके बाद नीचे सबसे लास्ट देखो, आई एक्सेप्ट द बेस आइटम, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन क्लिक कर दिए, और इसको क्या करेंगे अपन, एक्सेप्ट टर्म कर देंगे, को एक्सेप्ट टर्म कर दिया, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, उसके बाद ये अपना पहला स्टेप हो गया डन, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको डन हो गया। अभी सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है, साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। अभी ये गूगल एडसेंस अपने को ये स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके ऊपर अपन स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या लिखा आया है देखो, स्टेप 2 विल बी रीडायरेक्टेड टू एडसेंस फॉर यूट्यूब, कंप्लीट दिस स्टेप। अब इसके ऊपर क्या सिलेक्ट करने का है, अब देखो वो बोल रहा है आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है क्या, और उसके बाद मेरे पास तो नहीं है, तो फिर अभी मैं नो के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी मेरा ईमेल आईडी, जिस अभी इसके मेरे जितने भी ईमेल आईडी ना, उसके ऊपर कौन से ईमेल आईडी के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मेरे को क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मेरा कौन सा मेल आईडी है, तो अपन ने कर दिया अपना मेल आईडी सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा ये। तो गाइज, अभी अपने को यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैं हूँ इंडिया से, तो फिर अपन इसके अंदर क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते 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 इंडिया पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। पूरे टर्म्स कंडीशन पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करने का, यहाँ पर टिक करने का, यस करने का, और सेटअप अकाउंट करने का। आ गए अपन एडसेंस के ऊपर, ठीक है। अभी ये है अपना एडसेंस, यहाँ पर ध्यान रखने का भी देखो। अभी अकाउंट टाइप है, अभी अकाउंट टाइप आया, उसके बाद आया इंडिविजुअल, क्योंकि अपना तो मेरा तो खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मैं इंडिविजुअल के ऊपर ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके ऊपर 2 ऑप्शन है देखो, हाँ इंडिविजुअल। उसके बाद अभी नेम है, उसके बाद एड्रेस है। अभी ये जो नेम है ना, नेम आधार कार्ड के ऊपर अगर किसी का नाम अलग रहेगा ना, तो उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। अभी नेम डालने का, उसके बाद एड्रेस फिल करने का पूरा, फिर उसके बाद एड्रेस लाइन है, सिटी है, पोस्टल कोड है, स्टेट है, फ़ोन नंबर है, पूरा अपन ये भरने का, ठीक है। तो गाइस, अपन ने ये सब पूरा डिटेल्स फिल कर दिया है, इसको अपन क्या करेंगे,
फिर से एक बार पूरा अच्छे से चेक करके इसको अपन क्या करेंगे, फिल कर देंगे। अभी ये क्या आया, रीडायरेक्ट टू यूट्यूब, ठीक है। अभी मैं रीडायरेक्ट नहीं भी किया ना तो डायरेक्टली YT स्टूडियो में आ गया मैं। अभी मैंने सेकंड स्टेप क्या लिखा आया, नॉट स्टार्टेड ऐसा लिखा है, अभी लिखा आया इन प्रोग्रेस, ठीक है। अभी अपना थर्ड स्टेप है गेट रिव्यू का। अभी ये अपने को थर्ड स्टेप का पूरा करने का है, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा, कम से कम अपने को 24 घंटा लग सकता है ये सेकंड प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। ये प्रोसेस में जैसा सेकंड कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन आएंगे थर्ड स्टेप के अंदर आ जाएंगे, फिर अपने को गेट रिव्यू करने का है। गेट रिव्यू के बाद फिर अपना उसके बाद अपन चैनल मोनिटाइज कर सकते हैं। अभी देखो उसके बाद है ना इन प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद ये डन हो जाएगा, फिर अपने को थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद अपने को है ना थर्ड स्टेप पूरा करने का है। लेकिन अभी YouTube क्या करेगा, इसको एकदम अच्छे से है ना अच्छे से वेरीफाई करेगा, मतलब ये वीडियो मेरा है किसी और का है, मैं किसी का कॉपी पेस्ट वीडियो करता हूँ और वीडियो पोस्ट करता हूँ, ऐसा कुछ अगर रहेगा ना तो फिर अगर कोई स्ट्राइक रहेगा, अगर किसी का मैंने कंटेंट चोरी किया होगा कॉपी किया होगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ तो ये होगा गाइज अपना चैनल का प्रोसेस, रिव्यू को अपन ने अपना चैनल डाल दिया है। अभी उसके बाद अभी 24 घंटे के बाद अभी मैं अगली प्रोसेस करूँगा, ठीक है। सो गाइज अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो अच्छी बात, नहीं हो गया तो फिर अभी देखेंगे। अब फर्स्ट टाइम है मेरा, मैंने किसी का वीडियो देख के नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने चैनल रिव्यू के लिए डाला है, देखेंगे अभी क्या होता है। क्योंकि मेरे दो कॉपीराइट स्ट्राइक थे जो कि मैंने उसको हटा दिए, अभी मैंने डाल दिया है कॉपी इसके लिए चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। और दो स्टेप कंप्लीट होने के बाद मेरा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है, फिर मैं चैनल मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा, फिर पैसा ही पैसा होगा। सो गाइस आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया होगा कमेंट करो, मैं उसको कमेंट के अंदर आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और अगर ठीक है अभी वो जो भी पैसे का कितना है क्या है उसके लिए अपन अलग से वीडियो बना देंगे, भाई चैनल तो मोनेटाइज होने। सो गाइस आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद पसंद हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना, मिलना होगा नए वीडियो के, जय हिंद जय भारत।